वेलकम बैक टू अनदर गेमप्ले वीडियो ऑफ पेल वर्ल्ड। और जैसा कि तुम सबको याद होगा, पिछले एपिसोड में मैंने बनवाया था स्फीयर असेंबली लाइन 2, जिसमें अपन बना सकते हैं पाल स्फीयर्स, अल्ट्रा पाल स्फीयर्स, और उससे अपन पकड़ने जाने वाले खतरनाक पेल को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 3 में। पिछले एपिसोड में मैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 2 में गया था, आज अपन जाके आएंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 3 में। सो लेट्स गो। ओके, तो अभी मैं सो के उठाऊ और यहाँ पे बहुत मस्ती सुबह हो रखी है और इन सबको मैंने हार्ड वर्क पे लगा रखा है, सुपर हार्ड वर्क पे मैं लगा दूं, बट हाँ यहाँ पे कोई काम है नहीं ज्यादा। बाकी ये सब छोड़ो, मेरे को अभी अल्ट्रा पाल स्फीयर्स बनवानी है, जिसके लिए मुझे कार्बन फाइबर की कमी है, बाकी रिफाइंड इंगट चाहिए होता है और सीमेंट चाहिए होता है भाई इसके लिए। पैलेडियम फ्रेगमेंट तो सब में लगता है, मैं बनवाने वाला हूँ सबसे पहले बहुत सारा सीमेंट, जितना बन जाए 100 सीमेंट बन रहा है। और अपन छोड़ देते हैं अपने यहाँ पे एनुबिस को, और अब मेरे को चाहिए रिफाइंड मेटल इंगट जो मैं एक ही बना पा रहा हूँ। रुक जाओ, मुझे फार्म पे जाना पड़ेगा, पहले मेरे अंदर के इंगट्स इसमें डाल देता हूँ और मैं चलता हूँ फटाफट से अपने ओर माइनिंग वाले फार्म पे, जहाँ पे अपने को साथ के साथ कोल भी मिलते हैं। और देखो भाई, ये देखो बगल में देखो, वीक, ओवरफुल, अल्सर, पता नहीं भाई ये एनुबिस से क्या है भाई। नई जगह जाते ही ना इनकी बैंड बज जाती है, इनको पुरानी जगह पे भी सबको सही करा था मैंने। ओके, कोल मेरे को बहुत सारा मिल गया है। और ये तोड़ क्यों नहीं रहे भाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, ये मत तोड़ो, कोल बहुत पड़ा है अपने पास। चलो ठीक है, एक बार के लिए कोल लेके चलते, क्योंकि मेरे को वो कार्बन फाइबर भी बनाना है, तो कार्बन फाइबर बनाने काम आएगा। ठीक है, तो फटाफट से चलते हैं अपन और इसी भी बॉक्स में रखवा देते हैं। डन, 380 अपने पास कार्बन फाइबर हो गया है, अभी मुझे देख के आने दो। अच्छा, अपने को तो रिफाइंड इंगट बनाने थे ना, तो ये अभी भी यार। अच्छा, और की दिक्कत है, जब तक मैं ना कार्बन फाइबर बना लेता हूँ। कार्बन फाइबर किस पे बनेगा? अरे तू इस पे लग रहे यार, तू काम पे लगना है, काम करना अपना रे। वो सीमेंट वाली मशीन पे कार्बन फाइबर बनेगा, और यहाँ पे यार किसी ने कुछ काम नहीं कर रखा है। और ये देखो भाई, ये देखो, पता है ये मैंने इससे पहले फार्म पे लगा दी थे, सारे फार्म वाले लोग लगा रखे हैं, इसलिए यहाँ पे कुछ भी काम हो नहीं रहा है फार्म के अलावा। ये देखो भाई, इतनी सारी प्रोडक्शन हो रही है ना, रुक जाओ, कितने केक बन रहे, केक बनवा देता हूँ और इनको हटाता हूँ यहाँ से। रुक जाओ, मैक्स करते हैं, इस चीज की कमी है। ओके, रेड बेरीज की कमी है, एक सेकंड, रेड बेरीज तो मैं ले ही आता हूँ। जब तक यहाँ पे ये काम करती रहेगी, मैं अपनी एनुबिस को यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ इसकी जगह पे। ठीक है, रुक जाओ, इसको यहाँ से उठाओ, सारा सीमेंट इसके अंदर डालो, और अब यहाँ पे मुझे बनवाना है कार्बन फाइबर। ये बनता है एक कोल का, और ये यूज कितना होता है मुझे ये देखने दो। कार्बन फाइबर 2 यूज करता है एक बॉल बनाने में, तो मुझे कितना बनाना चाहिए? और यार रिफाइंड इंगट 5, तुम देख रहे हो 5 रिफाइंड इंगट यूज कर रहा है भाई, इसमें तो बैंड बच जाएगी। ठीक है, सीमेंट मैंने काफी सारा बना दिया है, क्यों ना 100 एक में बना ही दूं यार, 100 एक बना देते हैं ये। चलो 150 करीबन बनवा देते हैं कार्बन फाइबर, जब तक मैं लेके आने वाला हूँ। चलो एक सेकंड रुक जाओ, ये है ना, ये जो एनुबिस है ना, इसको मेरे को ढंग से असाइन करके जान दो काम। माइनिंग मत करे तू, ड्रॉप वाला भी मत करे, ये भी मत करे। अब शायद ये सिर्फ और सिर्फ यही काम करेगा, देखो मेरे को पता था यही काम करेगा। ओके, मेरे को जाना था इस टाइम, मेरे को यहाँ जाना था, थोड़ी बहुत बेरीज मिल जाएगी बड़ी। ओके यार, ये बेरीज बहुत कम प्रोड्यूस कर रहे हैं, पता है ये आधे से ज्यादा टाइम तो फ्लोर प्रोड्यूस करने में लगा देते। कोई बात नहीं, अपने को फ्लोर भी बहुत काम आता है। चलते हैं फटाफट से यहाँ पे, और जो खाना है उसको अपन रखते हैं सारा खाना यहाँ पे। यार अपना वजन कम क्यों नहीं होता, यहाँ का भी क्यों काउंट कर रहा है, ये तो गलत बात है ना भाई। अगर तुम ये भी काउंट करोगे तो ऐसे काम थोड़ी चलेगा। चलो कोई बात नहीं, अपन इस खाने को इसके अंदर रखवा देते हैं, इन लोगों के काम आ जाएगा। और ये सबसे बड़ी दिक्कत की ये लोग है ना, इसके अंदर रख जाते हैं यार ये एग वगैरह, यूं नहीं ये फ्रिज में रखे। बाकी इसमें से मैं बनवा देता हूँ केक, जो की 28 बन रहे हैं, और इस टाइम सिर्फ मिल्क की कमी है, मिल्क और एग बराबर से प्रोड्यूस हो रहे हैं अपने यहाँ, तो मिल्क और एग दोनों ही खत्म हो जाएंगे इसमें। लेट्स गो, 28 केक्स है, मैं यहाँ बनवाने रख रहा हूँ। ठीक है, और ये आवाज किसकी आ रही है, कोई चमक रहा है क्या, गारंटेड चमक रहा है भाई कोई। रुक जाओ, मुझे नीचे जाने दो, इधर आती आवाज कम हो गई, उधर है भाई, इतना ढूंढ रहा हूँ। ओके, कैटिवा है, और कैटिवा मेरे पास शायद है नहीं, ले लेते हैं कैटिवा को। अबे पूरा मैं लाल गुलाबी मेरो, कोई बात नहीं गाइज, इट्स ओके। छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें हो जाती है अक्सर, ऐसे दिल पे नहीं लेते बड़ी बातों को, उतार दे भाई मेरे। चल भाई, तूने कार्बन फाइबर बनाया कि नहीं बनाया? अबे क्या कर रहा है ढीले आदमी, मुझे इंगट्स बनवाने थे, उसके लिए मेरे को एक बार दोबारा जाना पड़ेगा अपने फार्म पे, और यहाँ देखना पड़ेगा इन लोगों ने और इकट्ठा किया है कि नहीं। यार एक तो बेस बहुत कम, यार क्या है भाई, कर दो ना यार काम, यार ये मत करो यार। यहाँ पे भी एक वो बना दूं क्या मैं इनकी, मॉनिटरिंग स्टैंड, रुक जाओ, अगर मैं यहाँ मॉनिटरिंग स्टैंड बना दूं तो शायद ये लोग काम ढंग से करें, वरना ढंग से तो क्या ही करेंगे यार, यहाँ पे सिर्फ माइनिंग का ही तो काम है इनके पास। सुपर हार्ड वर्क करो सालो, रुको तो मैं असाइन भी करूं ढंग से, जल्दी जल्दी करो ना सालो, जल्दी जल्दी करो। चलो ये लोग तो करते रहेंगे जब तक करेंगे, क्योंकि अब मेरे को लगता नहीं कि इंगट इतनी जल्दी बनेंगे, जितने स्फीयर बन रहे उतने बनवाते हैं। पर थोड़े बहुत अपन ने कार्बन फाइबर बनवा दिया है, तो देखते हैं अपन कितने अल्ट्रा स्फीयर्स बनवा सकते हैं। लेट्स गो, 5 बन रहे हैं, क्योंकि रिफाइंड इंगट की कमी है यार, रिफाइंड इंगट की कमी है, और रिफाइंड इंगट की कमी अभी पूरी हो नहीं सकती भाई। क्या चमकीली चीज
लग रही है भाई, तेरा काम हुआ यहाँ पे, यहाँ छोड़ के वहां चला गया क्या? ये आदमी गया कहाँ भाई, मुझे तो दिख ही नहीं रहा। रुक जाओ, इधर भी सुपर हार्डवर्क करवाओ इन लोगों से, सालों जल्दी जल्दी करो काम। ये सब मैं इकट्ठा करके रखता हूँ, इनसे तो हो नहीं रहा। ओ भाई भाई, कितना सामान रखा हुआ है सब जगह पे, लाओ लाओ फटाफट फटाफट मेरे को दे दो भाई, मैं जा रहा हूँ और एक साथ सारा सामान रख दूंगा। अबे अपनी एनुबिस कहाँ गई, पता है नहीं भाई क्या कर रही है और कहाँ गई है, कहीं भी नहीं दिख रही है भाई। अब ये कौन सी चोचलेबाजी है, इसको रखो वापस यहाँ, इसको निकालो भाई, कहाँ गायब थी, देखो देखो भाई, ये कहीं ना कहीं तो गायब थी। इसको छोड़ और तू जाके वहाँ पे काम पे लग, चल भग जा, स्फीयर्स बना तू। कार्बन फाइबर बना दिए इसने, कई सारे बना दिए, ठीक है बहुत है, बाकी बच्चे बाद में बनवा लेंगे। अपन बैकपैक खाली करते हैं, बैकपैक में इतना सारा सामान रखा है भाई फालतू का। केक और बनने लग गए, 7 केक और बन गए, बताओ देख रहे हो कितना कितना ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है भाई। बस बहुत है, इतना बहुत है, बाद में कर लेंगे, अभी मेरे को काम कराने दो इन लोगों से। बट एनुबिस वगैरह तो सारी यार मैंने काम पे लगा ही रखी है, ठीक है भाई, मेरे को एनुबिस और बनवानी पड़ेगी क्या, या फिर उससे भी कुछ अच्छा हैंडवर्क होता है किसी का। 5 की 5 बॉल बना दी इसने भाई इतने सस्ते में, इधर आ जा तू अब। और यहाँ मैं छोड़ देता हूँ एक फायर वाला बंदा, और अपन चलते हैं फटाफट से और कलेक्ट करने, और अब तक हो गए होंगे भाई। फिर मेरे को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 3 भी जाना है, फटाफट से दे दो यार, मैं चाह रहा हूँ 15-20 से ना अल्ट्रा स्फीयर बना ले चलूं, बट मुझे लग नहीं रही बनेगी। मैं यहाँ आ गया हूँ, इस ओर को भी उठाते हैं और अपन चलते हैं अपने बेस पे, इतना ओर शायद काफी है। थोड़ा बहुत अपन रिफाइंड इंगट बनाते हैं, रिफाइंड इंगट में अपना काम हो जाएगा। इधर ले ले भाई, अबे अबे कहाँ आसमान में चढ़ जाएगा। ओके 82 रिफाइंड इंगट बन रहे हैं, बहुत है भाई बहुत है। ले थोड़े बहुत है ना, कार्बन फाइबर और बनवा देता हूँ मैं। और ये 1 सेकंड, कार्बन फाइबर अ लाइट वेट यूज टू क्रिएट आर्मर अलोंग अदर। अच्छा अपन चारकोल से भी बना सकते हैं, ठीक है 2 ऑप्शन है, डायरेक्ट चारकोल से भी बना सकते हैं और कोल से भी बना सकते हैं। आई एम थोड़ा कंफ्यूजिंग बट नाउ आई एम ऑलरेडी टोटली फाइन। चलो ठीक है, अपने पास रिफाइंड इंगट तो बहुत सारा आ ही गया है, थोड़ा बहुत बना देता हूँ मैं। और कार्बन फाइबर इतना बन रहा है, इसको बनवा देते हैं। और कहा है भाई अपनी एनुबिस, अच्छा एनुबिस तो अपनी गोद में, जा भाई। और इनको सेट करते हैं हार्ड वर्क पे, लेट्स गो। 46 इंगट्स प्रोड्यूस भी कर दिए भाई इसने, ये लो मैं वहां भी बनवा के आ रहा हूँ थोड़े बहुत। तो क्या कर रहा, अबे किससे लड़, अरे यार इनके ना एक तो ये चोचले अलग गंदे हैं। ओके अभी किस चीज की कमी है, अबे यार अभी थोड़ी देर में पैलेडियम फ्रेगमेंट की भी कमी हो जाएगी, बट अभी इंगट की कमी हुई है। ये और बना दे भाई, इधर आती इधर उधर भगा भगी मत करे, ठीक है फोकस ऑन अ वर्क। दो जने लगे पड़े भाई, लगे ही पड़े, ठीक है 20 बॉल मेरे को लगता है बन जाएंगी। थोड़ी बहुत मैं बनवा देता हूँ पैलेडियम फ्रेगमेंट, इस बार मैं डायरेक्ट 500 पैलेडियम फ्रेगमेंट बनाने वाला हूँ। लेट्स गो, लो भाई हटो, तुमने बना दिया क्या ये? ओके इधर का काम हो गया, ये उठाओ। और इसने यहाँ पे काम कर दिया है सारा, अभी इसमें बनवाते हैं और अल्ट्रा स्फीयर। और बन रही है 7+14 21 हो जाएगी अपने पास, ठीक है 21 स्फीयर्स लेके मैं जाने वाला हूँ डायरेक्ट अपने थर्ड वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी पे। यहाँ होती है शायद, है ना, इसको पार करने के बाद ही होती है, देखते हैं फटाफट से आ जाओ भाई। ओ डायनोसोर्स भाई, बड़े दिनों बाद देखने को मिला है, तू कहाँ रहते हो आजकल, तबीयत बढ़िया है तुम्हारी? अरे मर जाओगे, ऐसा मत करो, गुस्सा करोगे तो घर पे जाओगे। अरे लो ओके मेरे पास 21 अल्ट्रा स्फीयर्स आ चुकी है, लेट्स गो। मैं अच्छे अच्छे पेल्स अपने पास ले लेता हूँ, मैं कुछ तो तगड़े पेल्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से लाने वाला हूँ। जैसे कि तुमने देखा होगा इससे पिछले से पिछले एपिसोड या फिर इसी 1 या 2 एपिसोड पहले मैं लेके आया था जर्मन ट्रेड इग्नस और ये मैनास्टिंग। इसको लेके चले नहीं चले ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा, ये माइनिंग के लिए बढ़िया है, इसको छोड़ो अभी के लिए। इसको लेके चलते एक फायर वाला पेल जिसका अटैक सबसे ज्यादा हो, रुक जाओ इसका 540 का है, इनको पहले तो अरेंज करो, ठीक है 2 जर्मन ट्राइड लेके जा रहा हूँ और मैं 1 लेके जाने वाला हूँ। इसमें गोरा गोरा वाला ना, ये रख गोरा गोरा यार, लेकिन इसका अटैक देखना कितना कम है। बट नहीं यार ये अटैक भले कितना कम हो ये मारता बहुत तगड़ा है भाई। और एक अपना ये ट्रेवल के लिए ये है ही, एक एनुबिस लेके जा रहे हैं, बाकी ये अपने पास अपनी पेल टीम हो गई है, लेट्स गो। थोड़ा बहुत मेरे को खाना चाहिए, 350 मेरे पास है, बाकी मेरे पास एमओ अच्छी खासी है। और ये इंगट वगैरह उठा के चलते हैं भाई, ये उठाओ ये उठाओ ये उठाओ ये उठाओ। अभी मेरे पास मेरी पार्टी सेट है पूरी, चलते हैं यहाँ से, मेरे को जाना पड़ेगा इधर की साइड, ठीक है तो डायरेक्ट यही चलते हैं। अबे तुम, अरे भैया अरे सबर करो थोड़ा, हमको जाने दो। अबे उल्टा क्यों जा रहा हूँ, अबे यार लेट्स गो। ओके मुझे सामने जाना है सीधा, और सामने ही दिख रहा है भाई, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दूर से दिख जाती है, दिक्कत वाली बात ही नहीं है। हट जाओ भाई हट जाओ, पानी में है क्या पूरी? ये सुजाकू के माथे पे कूदेंगे और ये मैं कूदा नहीं, कूद नहीं पाया, भागो भागो भागो, गुस्सा हो जाएगा। ये एनुबिस वाला एरिया आ गया क्या भाई? ऐसे ही जाना पड़ेगा, मेरे पास कोई फ्लाइंग वाला बंदा भी नहीं है जिसके ऊपर बैठ के मैं वहां तक उड़ के चल जाऊं, ऐसे ही मुझे उसके पास तक जाना पड़ेगा। जैसे ही मैं उसके पास पहुंच जाऊंगा ना थोड़ा बहुत, फिर मैं पानी में तैर लूंगा। भाई यार ये क्यों खड़े हैं इतने सारे? कोई बात नहीं मेरे को क्या, खड़े रहने दो, मैं चलता हूं फटाफट से पानी के अंदर यहां पे। और यार पानी के अंदर इसकी सांस फूलने लग जाती है। आ गया हूँ, काफी करीब आ गया हूँ मैं, बट मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मुझे पानी वाला एक उड़ने वाला बंदा लाना चाहिए था, और कोई सा उड़ने वाला बंदा नहीं है। गाइस अब चलना ही है तो चल के देखते हैं क्या होता है। कोई बात नहीं शायद पहुंच जाएंगे। एक सेकंड रुको यार, कोई लैंड नहीं है क्या इसके आसपास? मेरे को वहां तक पहुंचाओ, एक बार वहां तक पहुंचाओ। अबे नहीं तू अंदर ही आ जा, तेरे बस की नहीं है।
गाइस एक बार के लिए मैं घर पे आया हूँ क्योंकि रात भी हो गई थी और यार आते आते दिन हो गया। चलो छोड़ो, मैं आया इसलिए था क्योंकि मेरे को रैग्नारोक की शेडल अनलॉक करनी थी और इसकी शेडल बना के मैं उड़ के जा सकता हूँ और यही एक अच्छा पहल है जिसको मैं लेके जा सकता हूँ वहाँ पे। तो एक ये बनवाते हैं, जब तक एनुबिस बना रही है जब तक मैं इस पहल को अपने पास ले लेता हूँ। कोई अच्छी लेवल का हो भाई तो मजा आ जाए। एक सेकंड देखने दो, ये बंदा है एक ही है। ओके मेरे पास ये एक ही है तो क्यों ना इसको अपन वुम्पो की जगह रख लें यार, लेकिन फायर वाले फिर दो हो जाएंगे अपने पास, है ना। एक सेकंड मुझे ये देखने दो इसकी उड़ने की क्षमता कितनी है भाई। तो अपन फैन ग्लोब छोड़ जा सकते हैं क्योंकि फैन ग्लोब यार फाइट के काम ही नहीं आता। मैं फैन ग्लोब को फाइट के काम ही नहीं लेता। बैठा वे कबूतर, ये तो सही में कबूतर है। ओके यार नहीं यार वो मजा नहीं है, फैन ग्लोब जितना मजा है क्या गाइस? मेरे को लग रहा है मजा है लेकिन फैन ग्लोब जितना है कि नहीं मेरे को ये नहीं पता। और इसकी हाइट कितनी है, ये क्या करता है? ठीक है जो भी करता है एक बार के लिए तो अच्छा ही है। अपन फैन ग्लोब को छोड़ के इसको लेके जाने वाले हैं। और इसको मैंने कहां रखा था भाई, वुम्पो को ले जाते हैं फैन ग्लोब की जगह। और भाई तू इधर ये लड़ते रहेंगे तू छोड़, अरे इधर मत आ। मतलब अपन चल रहे हैं डायरेक्ट यहाँ पे, यहाँ से उड़ते हुए अपन जाएंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 3 पे। ओके वो अपने को दिख रही सामने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और अब अपन सीधा सीधे भी जा सकते हैं, अपने को ग्राउंड ढूंढने की जरूरत नहीं है। लेट्स गो, मैं उसी जगह पे आ गया हूँ करीब करीब जहाँ से मैं वापस घर पे गया था। बट ठीक है अब अपन यहाँ पे जाने के बाद ही घर पे जाएंगे, चाहे वो मर के हो या फिर किसी को लेके। यार मर के तो नहीं जाऊंगा यार, इतनी अच्छी अच्छी पहल टीम रख रखी है मैंने। बाकी देखिए क्या ये स्प्रिंट फायर और इन सबसे क्या होता है, ई दबा के देखते हैं। अरे भगती हुई चले तो बात करे यार, ऐसे कुछ फेंके मत। भगती हुई चलती है कि ऐसे गोल घूमती हुई या फिर जाती है ना ईगल वगैरह? ये क्या उखाड़ लिया तूने, क्या उखाड़ा और ये क्या है आसमान में कोई तो लकड़ी पड़ी हुई किसी। ये सब चीज से फायर ही छोड़ रही है और फायर के गोले ही छोड़ रही है भाई। फायर में भी सी से इसने क्या करा वो मुझे समझ में नहीं आया। शैडो टॉर्नेडो, ये लाइटिंग एकदम से बढ़ कैसे गई? अच्छा एनिमी बेस से चले गए होंगे, इससे बढ़ गई होगी। कोई बात नहीं अपन चलते हैं फटाफट यहाँ पे। लेट्स गो, जा रहा हूँ गाइज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 3 में दबाही मचाने। चलो चलते रहो। ओ भाई आ गया। ओके गाइज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 3 फैन ग्लोब भैया तुमको हम छोड़ के आ रहे हैं, पता है तुमको तुम्हारी बेइज्जती, अरे क्रिमिनल एक्टिविटी है ये। अब वो आ जाएंगे बताओ। एक फैन ग्लोब पकड़ लेते हैं यहीं से, उससे घूमते रहेंगे क्योंकि अब इससे घूमने में ना वो मजा सा नहीं आ रहा मेरे को। फैन ग्लोब की थोड़ी ऐसी आदत सी हो गई है, कोई है ही नहीं है फैन ग्लोब की जगह। फैन ग्लोब के अलावा यहाँ कोई है ही नहीं। गाइज यहाँ थोड़ी देर रुकते हैं ना तो मिलते हैं पता है। और ये देखो इसको मैंने उस एपिसोड में, अरे यार भाई ये नहीं करना था, कुछ भी करना था। शिट भाई मारो मत यार, एक ही बंदा है वो भी इतना धीरे चल रहा है। अच्छा शिफ्ट नहीं दबा रहा मैं इसलिए धीरे चल रहा है। मेरे को गाइस यहाँ थोड़ी देर रुकना पड़ेगा क्योंकि यहाँ ना बंदे बहुत देर में आते हैं। और ये ऊपर क्या भाई है, ये क्या लगा पड़ा है, कोई फ्रूट वरूट है क्या? थोड़ा नीचे जाना, रुक जाओ मेरे को बंदे छोड़ने पड़ेंगे जिससे कि यहाँ के बंदे मरे और न्यू स्पॉन हो। ले भाई मैं अपनी एनुबिस छोड़ता हूँ। अरे इधर नीचे जा। ओके मैंने एनुबिस छोड़ दी है और इसने तबाही मचाना चालू कर दी होगी मुझे जहां तक लगता है, बाकी तो फिर ये मेरी बेइज्जती कराने वाली बात हो जाएगी। ये मैं नीचे आ गया। अबे एनुबिस मार ना। ले भाई ओ भाई यहाँ तो भूसी भी हैं। इधर आ ओए चमका लड़की औलाद। ये हो गया, एक भूसी को पकड़ लेते हैं। मार भाई, हाइपरस्फीयर निकाल के रख रहा हूँ मैं तेरे लिए, मार सालों को। ओए बस कर जा, पूरा ही मानना था तो बता ही देते, मैंने मना थोड़ी करी। वो चमका लड़की औलाद नहीं आया भाई, उसको मैंने एक गोली मारी, उसको लगी प्रॉपर जाके। हैं शैडो पीक भाई, ये पकड़ने आया था मैं मतलब मैंने बोला नहीं था ऐसा, लेकिन इंटेंशन मेरे यही थे। मार साड़े को भाई, यू आर माई ब्रो। पूरा नहीं मानना है उसको, पूरा नहीं मानना है उसको। मैंने क्या बोला तुझे, पूरा मानना ही नहीं है साले, तू पागल है पूरा मर जाएगा वो। आजा बड़ी, बस ज्यादा रखने नहीं करते, तू दो फाइट का था। मेरे को बढ़िया बढ़िया पैल्स लेने, अपनी टीम में ऐसे जमा कर लूंगा पैल्स अच्छे। ऐसी बात नहीं है शैडो पीक, यू कैन डू इट। यार तेरे पे बड़ी वाली पैल छोड़नी पड़ेगी क्या? एक और लाए आज, ऑप्शन में है एक बड़ी पहल, लेकिन तू इसी में आ जाएगा, मुझे पता था तू छोटा बच्चा है। गाइस न्यू पहल कैप्चर्ड, लेट्स गो। थोड़ी देर और रुकूंगा ना भाई, देखना यहाँ पे और अच्छे अच्छे पहल्स आ जाएंगे, क्योंकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्टार्टिंग में आओ ना तो कुछ नहीं मिलता। मैं सबसे पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 2 में गया था या फिर फर्स्ट में गया था, कुछ नहीं मिला था भाई, क्योंकि मैं एक सेकंड टिका और आ गया वहां से। मैंने की कुछ नहीं है यहाँ पे, उल्टे मुंह पड़ा भाई। भूसी स्टैंड अप। ये क्रिमिनल एक्टिविटी वाले आज मार नहीं रहे, सुस्त है भाई, बोले की कर ले दो यार, इस साल बात तो मानता नहीं हमारी। एनुबिस तू जा और इसको खत्म कर दे, खत्म कर साड़े को। ओके भूसी कम हियर, ए मेरे से नहीं, मेरे से पंगेबाजी नहीं, ठीक है ना? चल तू आई जा, इतनी पागलपंती अपन करते ही नहीं। अरे भूसी को मार, भूसी मारो भूसी को। अरे भूसी भैया थोड़े एकदम ऐसे गुस्से से में हो रखे। अरे इसको मत मारियो, राम का पिल्ला है भाई एनुबिस। करंट किसने मारा? ये आएगा भक्ता हुआ आएगा ये। अरे मार ही आया ये आदमी, साले पजामे की औलाद। कोई बात नहीं गाइस, मैं बॉल खर्ची क्यों कर रहा हूँ जब कोई हाथ ही नहीं आ रहा, तो नए पेल्स ही लेके जाऊंगा मैं। एक फैन ग्लोब ले चलते हैं, एक फैन ग्लोब अपने पास एक ही है ना, तो क्यों ना। और बॉस वगैरह को मारने से अच्छा है कि पहले बात में करेंगे। अरे मर जाएगा यार वो, पूरा मर जाएगा भाई, ऐसे ना करो भाई। आजा, अरे आ जा ना, फिर मर जाएगा पूरा भाई। मेरी 3 बॉल खर्च हो जाती, फिर मर जाते हो ना तुम।
तू इधर आ जा एनुबिस, तू इधर। अरे कौन मारा साला, ये कौन मारा? एनुबिस को मारा, समझ में आया मुझे कौन मारा बे? मैं छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को, ऐसे करो। देख भाई आ जा, फालतू में नखरे कर रहा है। अरे भैया उल्टा घूम, उल्टा घूम, उल्टा घूम बोल रहा हूँ, जब उल्टा घूम समझ में नहीं आ रही तेरे, पिछवाड़े पे मारना है भाई तेरे। आए ओ उल्टा घूम रहा था, उल्टा उल्टा भाई पीछे से मारिए, सर पीछे से मारिए, आ जानी चाहिए। अरे आ जा, क्या चाह रहा है भाई, ये आदमी हो गया पजामा ये कतई। देख आने ही नहीं आ रहा, आने ही नहीं आ रहा, पता नहीं भाई अब नहीं आ रहा तो मत किया मार दूंगा तेरे को। लेकिन यार इतनी बॉल खर्च कर दी इस आदमी पे, मैंने बोला था एक फैन ग्लोव पकड़ लेते, एक ही पकड़ पाएंगे, यू नहीं तीन चार पकड़ लेता मैं फैन ग्लोव। खुशी भी नहीं हुई इसको लेने की, घटिया चीज भाई, क्या चीज थी भाई, हद हो गई। मेरी 55 बॉल बची है, 60-70 बॉल लाया था, 70-80 बॉल, कोई आया क्या बे? भाई यहाँ पे बस ये शैडो बीक था क्या? शैडो बीक को तो मैंने नॉर्मल बॉल में पकड़ लिया, कोई ऐसा लेके आओ ना सॉलो जिसको मैं बड़ी बॉल में पकड़ू, अब तो कोई है ही नहीं है। बताओ ये बात कर दी तुमने, एक और फैन ग्लोब है नीचे, पकड़ना ही नहीं मेरे को। बूसी है, बूसी भैया, बूसी मेरे पे वैसे पड़े हैं, दो तीन पड़े हैं बूसी छोटी। अरे भैया मर गया वो आदमी, ले मैंने बोली थी मर गया, ऐसे काम क्यों करता है तुम्हें, तुझे आदत सी हो गई है। मेरा मन था एक दो पकड़ लूंगा शैडो, और इनकी अलग मीटिंग चल रही है, पता नहीं क्या मीटिंग कर रहे हैं लोग आज। देखो अभी इसको कर ले दो, जाते में मारेंगे साले को। है भाई, अरे मम्मी, अरे मैं खुद चल के गया इनके पास, आई एम सॉरी बाबू। लो अब पड़ गया, अब पड़ गए तो पड़ ही गए, बोले कि साले बहुत बहुत छोड़ दिया हमने तेरे को, इनकी नजरों में नहीं आना होता, समझ गया मैं, पता है अब समझाऊ मैं जाके, ये तुम वापस मीटिंग बैठा लिए हैं भाई, लोगों का सिस्टम हैंग हो रखा है आज थोड़ा, समझ नहीं पा रहे हैं क्या करना है क्या नहीं करना, कोई बात। अरे 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 भाई तुम्हारी मीटिंग उधर बैठी हुई है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओ तीन तीन चार चार बंदे तो यहाँ पे हैं, देखो ना भूसी वगैरह सब यहाँ बैठे हैं, तभी तो मैं सोचूं कि लोग स्पॉन नहीं हो रहे तेरे, थोड़ा सा मुझे यहाँ उतार दे बस। हाँ अभी तू नीचे जा, इनको मार मार दे, मार साड़ो को मार। अरे बूसी वेयर आ रही हूँ, चलो बूसी खत्म, और बंदे भी हैं क्या? लेट्स गो, एक बूसी मारा है मैंने, एक बार और चक्कर काट लेता हूँ, अगर कोई मिला तो ठीक है, वरना अपन चलते हैं अपनी घर की साइड। एक न्यू पेल अनलॉक हो गया है अपना तो ओके। अच्छा ये बूसी बूसी आ रहा भाई यहाँ पे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 3 बड़ी हल्की है भाई, इसमें ज्यादा कुछ मिला नहीं अपने को है। ओके एक और शैडो बीक मिल गया है मेरे को, इसको लेके चलते हैं, हर एक के दो दो पेल पकड़ने की मैंने वो कर रखी है भाई, दो तो होने चाहिए, ये तो रीति रिवाज वाली बात है भाई। आजा भाई लेट्स गो, पकड़ साड़ी, अरे मारना भाई, अबे तेरा अटैक खाली गया। ओए अबे इस पे कोई अलग सकती है क्या? अबे नहीं ये खतरनाक है, इसको पकड़ना है भाई, वो उनपे गुस्सा हो रखा है, ये एक और अटैक कर दे बस इसके ऊपर। ओके डन, आजा आजा बड़ी, आजा छोड़, तेरे को मैं अल्ट्रा स्फीयर में भी ले लूंगा, नहीं आया तो कोई बात नहीं, ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, भली मता एक दो अटैक करूंगा इससे, फिर अल्ट्रा स्फीयर पे ले लूंगा तेरे। चलो बस बहुत हो गया, इतनी क्षमता थी हमारी, अब अल्ट्रा स्फीयर में आएगा तू। आजा बड़ी, अल्ट्रा स्फीयर से पहली स्फीयर फेंकी मैंने, अगर पहली स्फीयर ही तोड़ दी ना अब तू मार खा इनसे, थोड़ी मार तभी मानेगा तो। आजा यार, ओए नहीं ये खतरनाक चीज है, ये खतरनाक चीज है, ये अलग ही भाई नखरे कर रहा है भाई। शिट ओके डन, इसमें पावर्स कुछ अच्छी थी, क्योंकि वो पहले वाला जो शैडो बीक था ना उसमें इतनी अच्छी पावर नहीं थी, इसमें अच्छी थी, गारंटेड अच्छी थी भाई। चलो 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 लेट्स गो गाइस, मैंने शैडो बीक पकड़ लिए, क्योंकि यहाँ पे यही मिलता है, पैटिला भी मिलती है क्या? ली लेन पकड़े क्या इसको, क्या कहते हो? ओके नोबडी, ये पड़ी, एक और पड़ जा भाई, बस ऊपर ले ले भाई, ऊपर ले ले। ओए मैं गया। शिट कहीं पहुंचा दे बस, प्लीज मेरे पे मत ध्यान दे। अच्छा भला मैं घर जा रहा होता, लास्ट में मुझे उंगली चढ़ती है, मैं पिट के आ जाता। कोई बात नहीं गाइज, अपने को मिले हैं 45 और 41 लेवल की दो शैडो बीक, और इसके अंदर देखो पैसिव स्किल नहीं है, इसके अंदर पैसिव स्किल है। 41 लेवल वाला ज्यादा अच्छा मार रहा था है ना, क्यों ना इसको टेस्ट किया जाए। अपना एक बंदा मर गया उड़ने वाला, उस बंदे को रिकवर होने दो। ओके इस पे बैठ सकते हैं क्या? अरे बैठ सकते हैं, बट 450 का अटैक है गाइज। तुम लोग कमेंट्स में बताओ ये किस काम में आता भाई, है तगड़ी चीज, लेकिन ज्यादा मेरे को ऐसा कुछ खास लगा नहीं। इसकी शैडल अनलॉक हो क्या भाई? शैडो बीक की शैडल कब अनलॉक होगी? ओके भाई 47 लेवल पे शैडो बीक की शैडल अनलॉक होगी। चलो छोड़ो अपने को क्या, ले भाई तू रिकवर हुआ कि नहीं हुआ? तू इसकी जगह पे नीचे आ जा, जल्दी रिकवर हो जाएगा। अरे अरे भाई चलो ये रिकवर हो जाएगा, जब तक मैं अगर कोई चीज अनलॉक हो सकती है। वैसे यार मेरी टेक्नोलॉजी पॉइंट ही नहीं बचे भाई, ये क्या चल रहा है? अंडों का प्रोडक्शन भाई बहुत ज्यादा हो रहा है, इनको हटाना पड़ेगा, अभी नहीं हटा रहा बाकी। ओके ये बंदा सही होके आ गया है अपने पास नहीं है, मतलब अपने पास ले लेते हैं इसको, इसकी जगह पे रखते, और अभी रात हो गई तो क्यों ना सोते, और अगली सुबह अपन चलेंगे वापस से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 3 पे, और अपनी पेटी लेके आनी है बस, और कुछ नहीं है। और इनको सुपर हार्ड वर्क पे क्यों लगा रखा है भाई? ये खाना ज्यादा खा रहे होंगे साले। अरे हाँ ले इस पे टेस्टिंग कर, इनको लगाओ नॉर्मल वर्क पे। और ब्रो ओकेश, अबे उसने सबको मार दिया, मेरे छोटे छोटों को। अरे बगल में घूम रहे थे बेचारे, उनका क्या कसूर? ला चल तू मेरे को वो दे पहले तो। अबे खाना कहां है तेरा साले? खाने के लिए तो तेरे को मारता हूँ। खाना नहीं, ओ खाना मिल गया गाइस, खाना मिल गया इसका। 10,000 बाला जाल कमाता है राजे लक्ष्मण तो देदा।
चलो गाइस अभी चलते हैं अपन वापस से अपनी पेटी लेने। गर्मी लग गई, रुक जाओ, और ज्यादा गर्मी लग गई। शिट, अबे तू बाद में मार लेना भाई, एक बार के लिए ना वहाँ चल ले, वहाँ जाना था वहाँ जाना था। भाई ये गर्मी खत्म हो जाए, बस एक सेकंड रुक, पानी हो जाएंगे फिर अपन। अरे क्या है, चल चलता रहे, थोड़ा जल्दी चल साले, आराम जाते भागो। अबे गोल्डन वाला ये मुझे चाहिए ये, लेकिन अभी गर्मी बहुत है, अगर पहुंच गया तो ठीक है, वरना तो भाई ये ठंडी क्यों नहीं हो रही, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही भाई, ठंडी नहीं हो रही भाई। मैं लास्ट एक ऑप्शन करने वाला हूँ, इससे उतरो, इसको छोड़, ओके बच गया मोटा भाई, यू आर माई बडी। ले भाई खाना खाओ, खाना, अरे खाना, खाना कहाँ से खाएंगे, जाल बाला जाल कमाता हूँ, खाना थाते थाउंदा। कोई बात नहीं गाइस, ऐसे में थोड़ी बहुत एचपी रिकवर कर लेता हूँ, फिर वापस उस पे बैठ के चलेंगे अपन। अब क्यों रेड मार्क आ रहा है, अभी तक तो रेड मार्क आ नहीं रहा था बगल बगल में, अब रेड मार्क आ रहा है, बताओ ये कोई बात है, देखता क्या साले पांडे इतना भाई। वापिस एचपी घटना चालू हो गई है, मैं जा रहा हूँ बहुत स्पीड से जा रहा हूँ मैं, और मेरी एचपी घटे जा रही है, 20 की एचपी करके घट रही है, लेकिन मैं पहुंचने वाला हूँ इन 3 इन 2 इन 1 और मैं मरने वाला हूँ। तो क्यों ना इसको हटाओ, इसको छोड़ो और पैदल पैदल चल लो, क्रिमिनल एक्टिविटी की तेरी है। बस मेरे को अपना ये लेना, पेटी लेनी मेरे को, इधर शिफ्ट करनी है ये। अभी क्या रह गया इसमें, वो बहुत सामान रह गया, वो हटाओ इनको, अरे इनको हटाओ ने, इसको ले, ठीक है अब तो हो जाएगा सारा काम। ओके डन, मैंने अपनी पूरी पेटी खाली कर दी यहाँ से, अब मुझे एक बार ऊपर जाने दो, ऊपर से जाके फिर मैं थोड़ा सा वापस पलट के चला जाऊंगा। ऊपर से जाने का मतलब मेरा यही था, अरे नहीं नहीं नहीं, उनके आंखों में नहीं आना है। ऊपर कोई है क्या भाई, कोई बढ़िया सा बंदा हो तो बताओ। चलो भाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तुम्हारा, मेरा सफर यहीं तक था, मैं चल रहा यहां से। गाइस एक मेरे को सामने दिख रहा है चमकता हुआ, ये देखो तुम्हें दिखा कि नहीं दिखा पता नहीं, चलो वहां चलते हैं, वहां से चलेंगे अपन घर पे। ओके अपन इस कॉर्नर पे आ गए, इसको अनलॉक करते हैं, एक नया टावर मिल गया अपने को, और यहाँ पे और पड़ा है, अच्छा इन्वेंटरी फुल है भाई मेरी। और एक सेकंड रुको, यहाँ पे कोई नया बॉस स्पेल ढूंढने का है, यहाँ की साइड अपने को मिल सकता है नया बॉस स्पेल, यहाँ पे तो क्या ही मिलेगा, इधर अनलॉक नहीं है, इधर चल सकते हैं, इधर गाइस चल के देखते हैं अगर कुछ मिल जाए। लेट्स सी, बाकी भाई इस ओ बीकन मिले भाई, क्या मतलब, लेकिन बीकन का ही काम आएंगे। गाइस मैं क्या कह रहा हूँ, क्यों ना इसके अंदर चले भाई, कुछ तो तगड़ी चीज मिलेगी, देखते हैं कौन सा पहल मिलता है भाई। यहाँ पहल छोड़ो, पहले वो मिलेंगे भाई मारने वाले, के मेरे पीछे गाइस लोग पड़ गए, और ये नहीं, चल 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 चल। ओके एक बार मैं शायद ऐसी जगह पे आया हुआ हूँ, और मेरे पास शायद पाल स्फीयर वगैरह नहीं थी, मैं वापस चला गया था, प्रॉपर सामने वाले गेट में जा रहा हूँ मैं, याद रख के, तू आजा लड़े मत उनसे, तू बाद में काम आएगा। ओके यहाँ चेस्ट मिली है मेरे को, यहाँ और कुछ नहीं मिला, इस चेस्ट को खोलते हैं और चलते हैं अगले वाले। अबे नहीं शिट, अबे चल लेना भाई, क्या फटीचर आदमी है यार ये, हट जा साले, आराम के पिल्ले। मर गया, इसको छोड़ो यार, मर गया, इसके बगल वाले में और चल लेता हूँ मैं फटाफट से, भग के मर जाऊंगा, मर गया बस मैं, मर गया। ओके बच गया भाई, क्या रे मार ही दिया था, फूड का है मेरा, ये रहा इसको रखो यहाँ पे और चलते जाओ आगे की साइड। शिट, नहीं इनकी आग की लपटों में नहीं फंसना है मेरे को, बच गया। क्या कोई है भाई, बॉस रिप्टो, गाइस अपने को बॉस रिप्टो मिल गया है, सही है, इसको मार देते हैं और पकड़ लेते हैं, लेट्स गो। आजा भाई, तेरे को बांध के रखते हैं यहाँ पे लोग, मैं एक तो तेरी सहायता के लिए आया हूँ साड़े। ओ गेट भाई, गेट कितना जोर से चमक रहा है यहाँ का, क्या है ये, ए मारने का नहीं रे, चोमू चियो को खाएगा, चियो को खा गया। ओके गाइस अभी चल रही है असली फाइट, क्योंकि वुम्पो अपना आइस वाला और सामने वाला बंदा फायर का है। अरे यार शेडो बीक से करा के देखते ना, ये किस बात का है, हाँ ये हुई ना बात, किसी भी चीज का हो, बट ओके अब मजा आने वाला है। कहाँ गया, अच्छा नीचे, ये बे ऊपर की साइड किसको मार रहा था फिर, अबे जा, डरता थोड़ी हूँ तेरे से। ओरे रे 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 भैया, हाँ इसको अपन ने जब नॉर्मली पकड़ा था ना तब कितनी दिक्कत हुई, अगर तुमने मेरे पुराने एपिसोड देखे होंगे तो। भाई अब देख रहे हो तुम कैसे पकड़ ले रहा हूँ, मतलब अभी पकड़ूंगा, पकड़ा नहीं है। अरे मत मारना भाई, नया पहल लाया हूँ, चोट लग जाएगी भाई, देख पत्थर फेंक के मारेगा, मेहमानों का इस तरीके से स्वागत करेगा तू साले, तेरा कद्दू काटूंगा, आजा मर दे। अबे नहीं क्या कर रहा है, ले रे ले, एनुबिस से लड़ रहे तू, अबे ये पड़ी भाई, कैप्चर रेट अभी बहुत कम आ रही है, और देखो अल्ट्रा स्फीयर से कैप्चर रेट 4 की हो जाती है, सही है चीज बढ़िया है भाई, 700 की एचपी खा गया मेरी एनिमी। बड़ी स्फीयर में आ जाए एक बार में तो बोल, बड़ी स्फीयर फेंक दूं तेरे को, ऐसी कोई बात नहीं मेरे को, साले छोटी स्फीयर फेंक के बेइज्जती कर दूंगा, छोटे छोटे अटैक कर रहा है एनिमी, भी मजे ले रहा भाई, ये बड़ा आजा भाई, अरे नॉटी हो रहा कहते ये, ले 1000 से कम की करे एचपी जब आएगा ये लौंडा, चल तुम करो हटो यहां से हटो, अरे रे रे व्हाट आर यू डूइंग बड़ी, बस 400 की एचपी रह गई ये बेचारी, और मारियो जरा बताइए इसको, पापा कौन है इसका बता, बस बता मैं वहां जाके पकड़ूंगा तेरे को, बहुत दूर जा, चुपचाप आ जा, ठीक है मैं तो बोल रही था आ जाता है ऐसे। ये गाइस अपन ने बॉस वाला बंदा पकड़ा है, एक एमरल्ड मिला है, आइस फ्रूट मिला है, भाई मिला तो बहुत कुछ है, एक सेकंड रुको मुझे और कुछ फेंकना पड़ेगा, डन अभी लाओ और कुछ है अच्छा सा, मतलब आइस वाला है एबिलिटी, इसको सिखाते हैं
अपन एनुबिस को ना भाई सब कुछ सिखा देंगे। सीख भी रहा है कि नहीं सीख रहा, लेकिन ये और बताओ। बट यार इसको ग्राउंड के देने चाहिए मेरे जहां तक। गाइस ये मुझे पता नहीं है, मुझे कमेंट्स में बताना कि ये जो अपन खिलाते हैं ना इनको फ्रूट्स, इनको इन्हीं के कैटेगरी के फ्रूट्स खिलाने चाहिए या फिर कोई से भी फ्रूट्स खिला दो तो चल जाएगा काम। प्ले मॉर्गन मिले 5। ओके चलो लूटा पार्टी हो गई गाइस, अपन चलते हैं घर पे। मतलब घर पे कहे तो बाहर ही निकालेगा। हां बाहर ही निकालता है ना घर पे, बाहर ही निकालता यार, मेरे को लगा था घर पहुंचा देगा डायरेक्ट। चलो बैक में जाना है, मैंने एक और मस्त चीज पकड़ ली है, इसलिए मेरे को बॉस पेल चाहिए नहीं, मेरे को यही बॉस पेल पकड़ने थे। ऐसे कोई बॉस पेल मिल जाते। अबे अबे इससे झगड़ा कर रहे हो तुम वहां पे यार, इसको नहीं पकड़ सकते क्या? अबे तू इधर आजा, तू मत मारियो। कौन इसकी जीग में जंजाल हो गया यार, ये ले मार मार। मैं देखना चाह रहा हूँ ये पकड़ सकते हैं कि नहीं। 0.2 कैप्चर रेट है, ठीक है। एक और बॉल वेस्ट कर रहा हूँ मैं, 11 की कैप्चर रेट। भाई भाग ले भाग ले, ये लड़ तो आपस में ही रहे वैसे। शिट 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 शिट, अबे तू इधर आ जा, इनको मार। अबे मार मुरा दिया भाई उनको। शिट भगता हुआ आ रहा, इसको 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 पकड़ना है, इसको मारियो रे जरा, उसको तो देख लेंगे बाद में। मार मार मार, एक को मार थोड़ा सा बस। मैं बड़ी वाली बॉल फेंक के पकड़ लूंगा इन्हें, कोई बात नहीं, बॉल ही तो वेस्ट हो रही है, मरूंगा तो नहीं कम से कम। ये क्या फेंका है इन्हें? पाल फ्लूइड। भाई पाल फ्लूइड की भी जरूरत तो है, देखो। पाल मेटल इंगट, ये किससे मिला है भाई, ये किससे मिला है? अरे यार बोन्स बोन्स मत फेंको, इंगट फेंको, पाल फ्लूइड चाहिए था मेरे को, ठीक है। किससे लड़ रहा है ये आदमी? अबे मोटा मार दिया इसने, साले क्या कर रहा है तू, पागल है? पागल आदमी, उसको पकड़वा ही देता, मुझे बता तो सही, मोटा मार रहा हूँ मैं। मोटा भाई, अरे रे भैया का पेट थोड़ा सा, भैया का लेट जाओ लेट जाओ, तुम्हारी समाधि बना दी हमने। हाथ सीधे कर लो, हाथ सीधे, हाँ बस, टांग भी अंदर, बहुत बढ़िया गाइज। ये वही ना बात, साले टांगड़ी मार दूंगा साले। भाई इनके हाथ में क्या है? इधर आइयो, इनको मार के आजा आज सारी। अबे इनको मार के आना, आज सारी टेस्टिंग कर लूंगा मैं। इनके हाथ में लंबा सा क्या है? देखो इसके हाथ में लंबा क्या है? के ओके गन है, शॉटगन सेल्स है यार। एक ये मोटा भाई मिल जाए ना दोबारा से तो मोटा भाई पकड़ लूं यार मैं। ओके मिल गए, मार बे मार, क्या कर रहा है? तब तो बड़ा होशियार बन रहा था साले। मेरी गन कहां है? गन, अबे नहीं, मेरे को मार रहा है कोई। अब इधर आजा, उसने खत्म कर दिया। आ जाएगा भाई। भाई तू यहाँ 150-200 कमाता होगा, आजा मेरे घर पे, मैं तेरे को मस्त खिलाएगा पिलाएगा एकदम। साले लेके जाऊंगा तेरे को, अगर तू आने लग रहा है ना तो तेरे को लेके जाऊंगा, क्योंकि आज तो मेरे पे अल्ट्रा स्फीयर है। अरे नहीं, गन यही रह जाएगी क्या? इसकी गन ही तो लेके जानी है साथ में। साले गन गन, अबे गन, अबे गन ले ली। लेट्स गो गाइज, क्या कर रहे हो तुम लोग? अच्छा इनको मार रहे हो क्या? लो इसके साथ लड़ो, मदद होगी तुम्हारी। चलो लेट्स गो, अपन चलते हैं। क्या है बे, कौन मार रहा है? इतनी पागलपंतियां मत किया करो मेरे साथ गाइज। मैंने एक मोटा पकड़ लिया है, पहले मार तो खाया थोड़ी सी। भैया अल्ले ले ले, मार ली दिया इन्हें तो। ओके लेट्स गो। अरे यार इनसे सामान मिल रहा है ना, वो बाहर ही गिर जा रहा है। चलो भाई चलते हैं फटाफट से घर की तरफ, क्योंकि रात भी हो गई है। बाकी गाइस एक अपन ने कोई तो मोटा तगड़ा हाथी पकड़ लिया है, वो है ये। अबे कहां गए? इन्हीं में से है एक क्रशर, क्रशर ही होता है उसका नाम। इसको यहाँ निकालो, हाँ मोटा। ओह एक सेकंड रुक जाओ, मुझे सोने दो भैया पेट। एक तो तुम टी शर्ट बड़ी लो, समझ में आई तुमको? और ये शायद गलती से काम कर नहीं पा रहे हैं, गलती से गलती हो रही है इनसे, इनकी गलती से गलती सुधारता हूँ। 2 सेकंड रुको, वापिस जाओ भैया थोड़ा वहाँ पे, तुमसे क्या काम हो नहीं पा रहा। अरे उस पे चढ़ के ही काम कर देगा पूरा, क्या पड़ा इसमें? सामान भी तो बहुत पड़ा, कोई बात नहीं अपन तोड़ देते हैं इसको। अब क्या कर रहा? अच्छा काम हो रहा है, बहुत स्लोली स्लोली हो रहा है। अरे मैंने चेस्ट तोड़ दी साले, मोटे तगड़े हाथी। इधर आ, रुक जा रुक जा रुक जा, एक सेकंड रुक, मैं इसको मारता हूँ। अच्छा ये तो अपना ही बंदा है, मैं ना इसको मारता हूँ थोड़ा सा। क्या ये क्रशर वाला बंदा इस पे गोली चलाएगा? गोली चला इस पे साले, तेरे को किस लिए? भाई मैं देखना चाह रहा हूँ वो गोली चलाएगा क्रशर की। भैया क्रशर है कि क्या है भैया? क्रशर, भैया गोली चलाओ इस पे। इधर आ क्रशर साले, आर यू गोन मेड? अभी अपन इस पे बैठ के जाएंगे यहाँ पे और इस मोटे हाथी को ना इनसे लड़ा के देखते। ये ले भाई लड़ियो। अबे ऐसे भाई ये दिखाने को रख। गाइस इस आदमी ने ये जो गन है, अबे साले कबूतरों को मार रहा है। गाइस क्या पता ये इन्हीं को उचक उचक के मार रहा हो। एक सेकंड रुको, हाथी पे ट्राई करते हैं, क्या पता शायद भाई के अंदर अकल आ जाए और बंदूक चलाए। ठीक है बंदूक चला साले। अरे पावली झलर ले, बंदूक चला। अरे बंदूक चला ले। इस आदमी को मैं लाया इसलिए था कि ये बंदूक चलाएगा, लेकिन भाई में बुद्धि की है कमी। छेड़ो भी तू लड़ साले, बता दे इसको कौन है तू, बता दे कि मैं नया पहल हूँ। बता साले को, मार भाई सारे पहल इस पे ट्राई करे मैंने, सारे दुनिया भर के पहल ट्राई कर। अब मरा भाई। अटैक जो प्यारा है ना भाई शैडो बीक का, मजा आ जाता है यार, खतरनाक है भाई शैडो बीक। कमर में क्या फंसा रखा है? लगती नहीं है भैया ये तुम्हें कमर में इससे। अरे अरे भैया उड़ गए भैया, कोई बात नहीं यार, काम करो काम करो। अरे रे रे मेरे से गुस्सा हो गया क्या भाई? वापस अटैक हुआ ये वाला। इसमें आराम से ये ना 100-200 की HP खा जाता है झटके से, ज्यादा भी खा जाता तो पता नहीं। 100-200 तो नॉर्मल अटैक से खा जा रहा है, बड़े अटैक से तो आराम से खा जाता होगा। आजा आजा ये बोली ले ली, मैं तो डर गया। अब बोल साले, मैं तो डर गया। बोल और बोल और बोल और बोल और बोल। अब मरा 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 ये भाई। 800 की HP छोड़िए, मैं पकड़ लेता हूँ इसको वरना मर जाएगा ये आदमी। अब ये भी तो नखरे करेगा थोड़े बहुत। अबे पूरा भड़ क्या रहा है भाई इससे, ये बताओ। अच्छा इनको एक्सपीरियंस मिलती है, सही है भाई। लेट्स गो।
एक सेकंड को, मेरे को दो चार चेस्ट बनाने दो। बे यार तुम्हें काम करना है कर लेना, मना थोड़ी कर रहा हूँ। एक तो साले ऐसे चेप सी हो जाते हैं। मालिक मैं करूंगा, मालिक मालिक मैं, मालिक मैं, इधर राम खोर लोग हैं भाई। ले भाई सारा सामान उठाओ। ट्रेनिंग मैनुअल एक्सेल, भाई इससे एक्सपीरियंस बढ़ाने के बहुत ज्यादा काम आएगा। ये बंदा अभी है इसकी 29416, बाकी बाहर लिखा हुआ आ जाएगा। डन, मैंने इसको पढ़ा दी और इसकी 1,00,000 की एक्सपीरियंस बढ़ी है भाई। 1,00,000 की एक्सपीरियंस, सही है भाई। एक मेरे को रॉकेट लॉन्चर मिला है, यूज कैसे होगा? गाइस शायद ये यूज अभी नहीं होगा। अच्छा मेरे को शायद कोई ना कोई तो गन वगैरह बनानी पड़ेगी रॉकेट लॉन्चर यूज करने के लिए। ये सब उठाता हूँ मैं सामान और इसके अंदर रखवा दिया। बाकी किससे लड़ रहे हो? अबे यार ये छोटे मोटे लोग आ जाते हैं बार बार। भाई गाइस अभी अपन यहाँ पे आ चुके हैं। मेरे को एक मस्त सी ब्रीडिंग और करानी थी, वो मैं कराने रख जाता हूँ यहाँ पे जब तक ब्रीडिंग होती रहेगी। एक सेकंड रुको, मेरे को देख रहे। तो हाँ एक ये चाहिए उस जिसमें अपने को, और एक ये चाहिए। लेट्स गो, इधर आओ भाई। तुम लोग कहाँ पे जा रहे हो? अबे कहाँ, इधर आओ, इधर इधर आओ चुपचाप, ठीक है। इसको रखते हैं अपन इसमें, और ये है बंदा अपना मेल, वो फीमेल ही होनी चाहिए जो लेलीन है। इससे और इसकी ब्रीडिंग करा के गाइस एक बहुत तगड़ी चीज बनने वाली है। देखो एक सेकंड, इसको पहले इसके अंदर रखने दो। ये फीमेल ही है ना भाई, फीमेल ही होनी चाहिए। देखो रुतबे और अकल बकल। ओके गाइस डन, मैंने इन दोनों की ब्रीडिंग कराने रख दी है। अगले एपिसोड तक इन दोनों की ब्रीडिंग हो जाएगी और एक बहुत तगड़ी चीज निकलने वाली है। बाकी आज के लिए बस इतना ही। आज अपन ने शैडो बिग को पकड़ लिया है। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय।